नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी फेस सीटिंग की, किसी कारणवश वो आगे नहीं चल पाई थी, तो उसका तीसरा वीडियो मैं आज आपको दे रहा हूं। मैंने माथे के बारे में बात की थी और चेहरे के टाइप के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आज मैं बात करूँगा आइज़ के टाइप्स की, और ये आइज़ के ऊपर पहला छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों के बात करेंगे, कि आईब्रोज कैसी होती हैं, कलर्स कैसे होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आईज़ हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली आईज़ हमारी तीन प्रकार की होती हैं, वाइडली स्पेस और क्लोज स्पेस और परफेक्टली स्पेस, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई, थोड़ी कम फैली हुई और एक परफेक्ट शेप में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर जो गैप है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर जो गैप है इन दोनों आँखों के बीच में वो काफ़ी है, तो इसको हम कहेंगे वाइडली स्पेस आइज़। ऐसा जो पर्सन होते हैं जिनके, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं थोड़े केयरलेस किस्म के मैंने देखे। कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो अपने काम को बहुत ही डिले करते हैं, टाल मटोल करने की आदत उन लोगों के अंदर होती है। अपनी धुन में रहते हैं, दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं होता। उनकी अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन होती है, डिफरेंट सेंस ऑफ जजमेंट होता है। उनका लाइफ स्टाइल अपने तरीके का होता है। आप उनको कितना समझाइए कि ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा वो लोग मानते नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जिनकी आंखों के बीच में स्पेस काफ़ी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी धुन के पक्के और कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड भी आप कह सकते हैं, और केयरलेस, ऐसे पर्सन को आप कह सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जिनकी आँखों में स्पेस कम होता है, जैसे कि ये हमारी आँखें हैं, इनमें स्पेस हमारा कम है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखों के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है, ये ऐसे होते हैं कि गुस्से थोड़ा ज़्यादा करते हैं, आर्गुमेंटल ज़्यादा होते हैं, और एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं किसी भी चीज़ को लेके। मतलब ये है कि अगर आपने इनसे कोई वायदा कर लिया कि हाँ मैं तेरा काम कर दूंगा, फिर आपने नहीं किया, तो फिर आप मान के चलिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आपको बहुत बातें वो सुनाने वाला है। गुस्से वाले होते हैं, अगर काम ना बने दुनिया सर पे उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिनका उस बात से उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ के मामले में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो होता है कंसंट्रेशन पावर। ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। जब ये लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन देते हैं, और अगर वो कंसंट्रेशन इनका कोई भंग करता है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या करते हैं उसके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल मान सकते हैं आप इनको, थोड़ा गुस्सा, लूज टेम्पर बहुत जल्दी हो जाता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट स्पेस आइज़ की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि परफेक्ट होगा, तो इन लोगों का जो गैपिंग होगा भी, मैं नाक की जब बात करूँगा तो आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपकी नाक इस तरह से हो गई। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट आइज़ होती हैं, बहुत लोगों की होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस पर्सन मिलेंगे। जजमेंट उनकी काफ़ी अच्छी होगी, और जो भी वो आपको एडवाइस देंगे
वो एडवाइस किसी भी हाल में बायस्ड नहीं होगी, मतलब एक तरफा नहीं होगी। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो लोग होते हैं ये नर्वस थोड़े जल्दी हो जाते हैं, पेशेंस की थोड़ी सी कमी इनके अंदर देखी जाती है। बट इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि ये छोटी छोटी बातों को लेके आर्गुमेंट्स लोगों के साथ नहीं करते। जैसे नाम से ही लग रहा है कि परफेक्ट होते हैं, तो परफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कमियां तो हर आदमी में होती हैं। तो जो छोटी छोटी हैं कि पेशेंस ना होना, थोड़ा जल्दबाजी करना काम में, तो ये थोड़ी सी कमी इनको अगर ये रिमूव कर लें तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो आज जो मैंने बात करी आपके सामने, वो मैंने बात करी सिर्फ टाइप्स के बारे में। तो तीन तरह के टाइप्स मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जब आपको दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कलर जो होता है आंखों का, उससे कैसे हम क्या पहचान सकते हैं। तो बने रहिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी चैनल के लाल बटन को दबा दीजिए, उसके बराबर में जो घंटी बन के आ रही है उसको भी आप फटाफट से दबा दीजिए और बने रहिए। राशिफल अगस्त का आपको दे चुका हूँ, सितंबर का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। और आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।